नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के माध्यम से आप लोग दोस्तों यूसीएल आईडी कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए और दोस्तों कितना टाइम लगता है इसमें और रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी दोस्तों मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट हैं मगर वो दोस्तों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या किस तरीके से अपना क्रेडेंशियल बनवाना होता है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं दोस्तों आपको ये लाइव चीज़ आपको दिखाऊंगा। अभी मैं दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लेकर चलूंगा जो यूसीएल का दोस्तों स्टेट लेवल की दोस्तों इस पर नोटिफिकेशन आती हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा है सीएससी यूपी यूसीएल। यहाँ पर फॉलोवर्स भी देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के 6200 दोस्तों यहाँ पर फॉलोवर हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। और यहाँ पर प्रिय सीएससी बैंक वीसी, तो दोस्तों आप लोगों के पास बैंक वीसी होना चाहिए सीएससी के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है सीएससी आधार यूसीएल को सहकर्य करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर पंजीकरण करें। तो दोस्तों सहकर्य करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये डायरेक्ट दोस्तों सीएससी से कनेक्ट हो जाएगा। वे सीएससी वीएलई जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है और आधार यूसीएल सेवाओं को सहकर्य करना चाहते हैं तो उन्हें पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा, मतलब पहले उनको अपना पंजीकरण करना होगा। केवल सहकर्य सीएससी बैंक वीसी ही पंजीकरण कराना चाहिए। दोस्तों सहकर्य सीएससी जो होते हैं जिनके पास सीएससी के माध्यम से वीसी पॉइंट होता है उन्हीं को दोस्तों ये करना है। और यहाँ पर लिखा है साथ ही कृपया सुनिश्चित करें कि आवश्यक दस्तावेज सीएससी राज्य कार्यालय को भी भेजे जाएं। तो दोस्तों जो आपके राज्य का स्टेट कार्यालय होता है जैसे यूपी का लखनऊ में है, गोमती नगर में, वहाँ पर दोस्तों भेजना होता है, उसका जो एड्रेस है वो कैसे मिलेगा वो दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको बता दूंगा। आप लोग अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो काफ़ी सारी वीडियो में भी मैंने बताया है। अब यहाँ पर ये लिंक दे रखा है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो दोस्तों ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन लेन देन जाँच के बाद आपका विवरण सहकर्मी के लिए भेज दिया जाता है, मतलब कि आप जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कार्यालय को तो यहाँ पर दस्तावेज जांच के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर नोट में लिखा है यूसीएल के लिए वीएलई को सहकर्य बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ डिजिटल सेवा पोर्टल पर प्रति माह कम से कम 50 लेन देन करना होगा, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 50 बोला है ट्रांजैक्शन को, लेकिन आप 150 से 200 करिए क्योंकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट चले जाते हैं और फिर यही लोग बोलते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है 100 से 150 से नीचे मंथली का हो रहा है। तो आप दोस्तों 50 ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा करने के बाद अपने कागज़ को भेजना है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा भी है अपने ज़िले के डीएम और डीसी से संपर्क कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो लिंक है दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जैसे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ऑनलाइन करने के लिए प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को अपना खुद का यूसीएल भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। और ये दोस्तों क्रेडेंशियल जैसे आपका बन जाता है तो ये आपका 10 से 15 दिन में ही पता चल जाता है मेल आईडी पे, और जो मेल आईडी पे आपको दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं उसका भी दोस्तों मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको किस तरीके से भेजना होगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से भेजा था और उसी तरीके से आप लोग अगर भेजेंगे तो आपका भी दोस्तों 100% सीएससी के माध्यम से यूसीएल आईडी चालू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं लाइव यहाँ पर अपना यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर है ओपन करके भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का यूसीएल है और बहुत सारे ऐसे भी वीडियो बनाकर देते हैं जो फेक वीडियो होती है, लेकिन मैं दोस्तों लाइव वीडियो के साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूं और मैं यूसीएल आईडी भी अपना लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि मैंने खुद दोस्तों खुद से काम किया और खुद ही डॉक्यूमेंट सबमिट जैसे किए, क्योंकि कोई भी वीएलई एक दूसरे वीएलई की हेल्प नहीं करना चाहता आज के दौर में। और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ECMP पर क्लिक करना है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑपरेटर आईडी को यहाँ पर मांगेगा, जो दोस्तों आपका नीट्स वाला जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होता है उसके ही डॉक्यूमेंट्स की जो आईडी नंबर होती है उससे दोस्तों ये आईडी जनरेट होती है। आप यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट यहाँ पर खुलेगी, आप जैसे इसको हटाएंगे अपनी आईडी को सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम आ जाता है, फिर इसको नेक्स्ट करना है। तो मैं दोस्तों ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी वर्जन के हिसाब से मैं नहीं दिखा सकता।
जैसे ही आप दोस्तों उसको नेक्स्ट करेंगे तो जीपीएस लोकेशन के लिए मांगेगा, आपको गो टू जीपीएस पेज पर क्लिक कर देना है जो आपकी डिवाइस सिस्टम से लगी हुई है, आप उसको कनेक्ट करके रखेंगे और आपकी जो लोकेशन है वो दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सिस्टम आपका दोस्तों ले लेगा। क्योंकि दोस्तों आप जैसे यहाँ पर स्टार्ट जीपीएस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जीपीएस कनेक्ट है उसकी जो लाइट है दोस्तों बार बार टिमटिमाती है और वो दोस्तों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। मेरा जीपीएस लोकेशन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सेव कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए फिर से यहाँ पर दोस्तों आपको ऑपरेटर को डिटेल्स देनी होंगी। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जिस पर दोस्तों आप लोगों का आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और फिर दोस्तों आपको अपना जो डिवाइस होती है आयरस डिवाइस के माध्यम से आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। तो ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ चुका है। और दोस्तों अगर हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है तो आप दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड सारी जानकारी आपको दी जाती है। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कैप्चा यहाँ पर लिया जाएगा आयरस का। तो जैसे ही आपकी दोस्तों आयरस डिवाइस, तो कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आप ऑनलाइन वाले पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पर आपका एंट्री यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे और फिर दोस्तों आपको कस्टमर का यहाँ पर फिंगर लगाना होता है और फिर यहाँ पर ऑपरेटर का भी फिंगर लगाना होता है। आप जैसे ही दोनों के फिंगर यहाँ पर लगा देते हैं आधार फाइंड हो जाता है और फाइंड होने के बाद आपको जो करेक्शन करना है वो दोस्तों आप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यूसीएल आईडी ओपन हो जाता है। और ये दोस्तों मैंने कम्प्लीट वीडियो आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स में एक बार में दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ। आपको दोस्तों यूसीएल आईडी सीएससी के माध्यम से अगर लेना है तो आप लोगों को क्या क्या करना होगा। आप लोगों के पास सीएससी आईडी के माध्यम से बैंक बीसी बनना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों एलएमपीएस सर्टिफिकेट आपको पास करना है, फिर आपको एक सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट पास करना है, तब जाके आप लोग दोस्तों इसको अप्लाई कर पाते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।